एक महात्मा फेरी पर जा रहे थे। एक नवेली बहू ने ना तो उन्हें दक्षिणा में आटा डाला और ना उन्हें रोटियां ही दी। महात्मा को काफी गुस्सा आया। उनकी ऐसी शान तो पहली बार ही बिगड़ी। रास्ते भर उसे कोसते हुए, बुरा भला कहते हुए बड़बड़ाते जा रहे थे कि सर पर लकड़ियों की भारी उठाए हुए उसकी सास मिल गई। उसे रोक कर कहने लगे, कैसी कुलच्छिनी बहु लाई हो जो हाथ की बजाय संतों को मुंह से उत्तर दे। क्या एक अंजलि भर आटे व एक रोटी से भी साधु सस्ता हो गया। महात्मा की भेक में एक कुत्ते जितनी भी इज्जत नहीं रखी। मुंह के सामने ही साफ मना कर दिया कि मुफ्त खोर साधुओं को देने के लिए आटा नहीं पिसा। अब तो घर घर बहुओं का राज होने लगा है। थोड़े दिन बाद तो खुद भगवान भी भूखे मरने लगेंगे। महात्मा की बात सुनकर सास आग बबूला हो गई। अविश्वास के भाव से पूछा, सच कह रहे हैं? नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ? लगता है अब इन बहुओं के कारण हमें भी झूठ सीखना पड़ेगा, फिर तो ये दुनिया जीने के काबिल नहीं रहेगी। नहीं महाराज, आप अपने मुंह से ऐसी बात ना करें, सुनने से ही पाप लगता है। चलिए मेरे साथ, बड़ी आई नवाबजादी, जीप ना खींच लूं तो मेरे नाम पर जूती, खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, चलिए ना मेरे साथ। महात्मा ने सास का ये रंग ढंग देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। बार बार मना करने पर उसके सर की भारी अपने कंधे पर धरने के बाद ही वे उसके पीछे पीछे चले। सास गुस्से में तेज चलती हुई बहू को दनादन गालियां निकाल रही थी। सुनकर महात्मा को भी अचरज हुआ कि इतनी गालियां तो वे भी नहीं जानते। पर वे मन ही मन बड़े खुश थे कि सास बहू के झगड़े में उनकी पौ बारा होने जा रही है। लकड़ियों का भारी बोझ उन्हें फूलों की डलिया जैसा हल्का लगा। और उधर भार उतरने से सास का मुंह और ज्यादा खुल गया था। घर पहुंचते ही महात्मा जी से भारी लेकर वो दन दनाती अंदर पहुंची। गले की पूरी ताकत से बहू को झिड़कते हुए उसने अंत में पूछा, बोल तूने सचमुच महात्मा जी को मना किया? बहू ने धीमे से अपराधी की नाई हामी भरी। सास की आंच और तेज हो गई। बेशऊर कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे रहते तू मना करे? महात्मा मन ही मन सोचने लगे कि आज तो ये झोली छोटी पड़ जाएगी, बड़ी लाते तो अच्छा रहता। उन्हें क्या पता था कि सास इतनी भली है। उबलती हांडी के ढक्कन की तरह फदफदाते सास बाहर आई, पर खाली हाथ। गुस्से के उसी लहजे में बोली, भला आप ही बताइए, मेरे रहते वो मना करने वाली कौन होती है? मरने के बाद भी उसकी ऐसी हिम्मत क्या हो जाए? मना करूंगी तो मैं करूंगी। यूं मुंह बाए क्यों खड़े हैं? हाथ पांव हिलाते मौत आती है, खबरदार कभी इधर मुंह किया तो। इस घर की मालकिन हूं तो मैं हूं, एक बार नहीं 100 बार मना करूंगी। फौरन अपना काला मुंह करिए यहां से, बेकार झिकझिक करने की मुझे फुर्सत नहीं है। बेचारे महात्मा ने डरते सहमते अपने सिर पर हाथ फेरा। सचमुच लकड़ियों का गट्ठर तो सास उतार कर ले गई थी, फिर ये बोझ काहे का है? उनके पांव मानो धरती से चिपक गए हों। इसी आशा के साथ कि आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा, मैं आपकी सखी नीलू लेती हूँ आपसे विदा, पर बहुत जल्द लौटूंगी यहीं एपिक धारा में।